9 से 15 अगस्त तक के साप्ताहिक राशिफल की हम बात कर रहे हैं। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो 9 और 10 तारीख की जहाँ तक बात करें तो चंद्रमा की जो स्थिति है सिंह राशि में बनेगी। सिंह राशि में चंद्रमा आपके राशि स्थान से थर्ड हाउस में रहने वाले, थर्ड हाउस में होने से आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, इधर उधर जाना पड़ सकता है, कहीं पर छोटी छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं, या फिर अगर लंबी दूरी की यात्राएं नहीं होंगी तो लंबी दूरी की यात्रा के लिए प्लानिंग आप कर सकते हैं। ये समय में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले अपने काम में, क्योंकि थर्ड हाउस में चंद्रमा रहेंगे। थर्ड हाउस में होने से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो, इस वजह से थोड़ा सा आपको सेहत का भी ध्यान अवश्य रखना चाहिए। साथ में आपका अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम है, राइटिंग से रिलेटेड काम है, आप एक लेखक हैं, तो आपका काम काफ़ी अच्छा रहेगा। इस दौरान आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले, काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट करने वाले हैं एक तरह से, और खुद के काम पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ पर जो चंद्रमा की स्थिति बन रही है उस वजह से आपके जो रिलेशंस हैं, अपने जो रिलेटिव हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो भाई बहन हैं, उनके साथ काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। इसके अलावा चंद्रमा का ये जो गोचर है आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएगा। बार बार इधर उधर जाना, यानी आप मेहनत कितनी भी कर सकते हैं लेकिन कोई भी जोखिम भरा काम आप नहीं करेंगे। साथ में चंद्रमा यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट देंगे। आप अपनी मेहनत से अपनी फैमिली के लिए धन कमाएंगे, तो धन से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं उनके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत इन दिनों में करने वाले। 9 और 10 तारीख को आप काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे, आपको पिता का सहयोग अच्छा रहेगा। साथ में आप कहीं भी आप कुछ धार्मिक कार्यों की वजह से जा सकते हैं, कुछ यात्राएं कर सकते हैं धार्मिक कार्यों की वजह से, या अपने फैमिली के साथ भी कुछ ट्रेवल आप कर सकते हैं इन 2 दिनों में। साथ में देखिए, जो लोग किसी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा इन दिनों में मिलेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं अपने काम के लिए, अपने जॉब या अपने बिजनेस के लिए जो भी है। तो चंद्रमा का जो शुरुआती 2 दिन का समय है आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। साथ में क्योंकि चंद्रमा नवम भाव को देख रहे हैं, यहाँ से नवम भाव को देखने से आपके लिए एजुकेशन के संबंध में अगर देखा जाए, विशेषकर हायर एजुकेशन, तो काफ़ी अच्छा समय ये रहने वाला है। आपको अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं या आपके जो फादर हैं उनसे कोई अच्छी सलाह मिल सकती है। साथ में आपके जो दूर के कॉन्टेक्ट्स हैं कुछ लोगों से, उनसे भी आपको मदद मिल सकती है। तो शुरुआती 2 दिन काफ़ी अच्छे आपके लिए बीतने वाले हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए जो अगला इनका गोचर रहेगा, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा एक राशि आगे बढ़ जाएंगे, जहाँ से ये कन्या राशि में रहने वाले आपके फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में होने से कहीं आप प्रॉपर्टी का कोई लेन देन कर रहे हैं, घर से संबंधित कोई सामान खरीद रहे हैं, कोई लग्जरी वस्तु खरीद रहे हैं, तो उसके लिए समय अच्छा है। साथ में आपका घर का रुका हुआ कोई भी कार्य है वो बनेगा। आपको घर निर्माण से संबंधित जो भी काम है उनमें काफ़ी ज़्यादा सहूलियत रहने वाली है। चंद्रमा फोर्थ हाउस का होने से आपको मन में शांति देगा, घर में सुख शांति देगा, खुशियाँ देगा घर में, और काफ़ी अच्छा माहौल घर का रहने वाला है। इस वजह से आपको घर से बहुत ज़्यादा लगाव रहेगा। जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनके लिए ये समय काफ़ी उचित रहने वाला है, क्योंकि आप घर के कार्यों को भी साथ साथ संभाल सकते हैं। साथ में देखिए, चंद्रमा के फोर्थ हाउस में रहने से आपको अपनी फैमिली की अच्छी मदद मिलने वाली है किसी भी काम में, और आप भी अपनी फैमिली की मदद अच्छी तरह से करने वाले हैं, तो आप अपना जो पूरा समय है लगभग वो फैमिली को भी दे सकते हैं ऐसे समय में। और चंद्रमा का फोर्थ हाउस में होना आपको कहीं ना कहीं अपने जॉब पर फोकस करने के लिए भी प्रेरित करेगा। माता जी के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं, और माता जी से आपको कोई मदद चाहिए तो वो आपको मिलेगी। चंद्रमा का 10th हाउस को देखना नई जॉब लगने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बना रहा है फिलहाल। और जो लोग अभी बिल्कुल फ्रेश कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए समय काफ़ी उचित कहा जा सकता है। साथ में आपको अपने काम में सराहना मिल सकती है, बॉस के साथ संबंध काफ़ी अच्छे रहेंगे, और कोई नई जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है अपने प्रोफेशन में, तो इस वजह से आपको कहीं ना कहीं सैलरी में इंक्रीमेंट लग सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ये सारे चांसेस रहने वाले। साथ में देखिए, आप अपने करियर के संबंध में कोई भी प्लानिंग कर सकते हैं आने वाले समय की, और वो प्लानिंग आप काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे, तो आप एक तरह से अपने काम पर फोकस कर पाएंगे, घर के कामों पर फोकस कर पाएंगे, और
सारा कुछ आपके जॉब और अपने घर से रिलेटेड ही जो आपके कार्य हैं उन पर फोकस रहने वाला है। तो एक तरह से देखा जाए ये 2 दिन आपके लिए काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं। इसके बाद 13 और 14 तारीख को चंद्रमा यहाँ से चेंज होंगे और वो गोचर करेंगे आपके पंचम भाव में, जहाँ पर ये तुला राशि में रहने वाले हैं। तुला राशि में चंद्रमा के होने से आपके धन से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो बनेंगे। संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान से अच्छा सहयोग मिलेगा। साथ में संतान के प्रति आप बहुत ज़्यादा चिंता भी करेंगे, संतान के प्रति आप में भावुकता देखी जा सकती है। चंद्रमा का जो असर है आपके मन पर भी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपके जो कुछ निर्णय हैं वो चंद्रमा से प्रभावित हो सकते हैं। इस समय में प्रेम संबंधों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। अपने पार्टनर से, भले ही वो मैरिड लाइफ का पार्टनर हो, भले ही आपका कोई किसी से प्रेम संबंध हो, तो वो आपका पार्टनर हो, तो एक तरह से लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और चंद्रमा कहीं ना कहीं कुछ क्रिएटिव कामों में भी आपको सक्सेस देने वाले। तो आप एक क्रिएटर हैं, आप एक बहुत अच्छे सर्जन हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में आप सृजनात्मक क्षमता, रचनात्मक क्षमता रखते हैं, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाले। साथ में देखिए, चंद्रमा का पंचम भाव में होना आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी वगैरह से या शेयर मार्केट वगैरह से अच्छे फायदे दे सकता है। चंद्रमा यहाँ से लाभ स्थान को देखेंगे, तो रुका हुआ कहीं पर भी आपका पैसा है, कहीं पर भी कोई आपका लाभ रुका हुआ है, कुछ पैसे आने थे या कहीं से आपको कोई लाभ मिलना था, वो सारे काम आपके बनेंगे। साथ में कुछ ना कुछ आपके दोस्तों से भी आपको मदद अवश्य मिलेगी। कुछ नए लोग आपके साथ जुड़कर काम कर सकते हैं इस समय में, जो लोग मार्केटिंग से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, या किसी ग्रुप के साथ मिलकर आप काम कर रहे हैं, ग्रुप के लीडर हैं, या फिर आप टीम वर्क करते हैं ग्रुप के साथ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलने वाले हैं चंद्रमा के इस गोचर के। तो ये देखा जाए तो यहाँ पर चंद्रमा की जो स्थिति काफ़ी अच्छी बन रही है फिलहाल, और यहाँ पर चंद्रमा का लाभ स्थान को देखना धन में आपके वृद्धि करेगा आपको। हालांकि कोई भी काम इस समय आपको ऐसा नहीं करना है जहाँ पर आपको पैसा ना मिल रहा हो, क्योंकि एक तरह से जो मेंटलिटी आपकी उसी प्रकार से रहने वाली है कि अगर आपको फायदा होना, अगर आपको पैसे मिलने, तो आप काम करेंगे। तो इस प्रकार से चंद्रमा का जो प्रभाव है वो यहाँ पर रहेगा। साथ में आपका बड़े भाई से कोई भी काम पड़ सकता है और उनसे आपको मदद भी मिलेगी। तो एक तरह से ये जो गोचर है चंद्रमा का, ये आपको शुरुआती जो सभी दिन है एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी शुरुआत से 9 9 तारीख के बाद, ये जो समय है आपके लिए काफ़ी उचित समय है, काफ़ी अच्छा समय है, और इस समय का आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए। इसके बाद अंतिम दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं रहने वाला। यहाँ पर चंद्रमा नीच के होने वाले, तो वृश्चिक राशि में जाने वाले और ये 6th हाउस में जाने वाले। ऐसी स्थिति में आपके जो फैसले हैं जो आपको लेने हैं उनमें थोड़ा डिले देखा जा सकता है, आप कुछ ना कुछ देरी कर सकते हैं अपने फैसले लेने में। साथ में कहीं से आपने पैसा उधार ले रखा है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ शिकायतें आप कर सकते हैं। साथ में किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा मोल ना लें, और कहीं पर भी अगर प्रॉपर्टी संबंधी मामले में कोई केस मुकदमा चल रहा है तो उसमें थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। चंद्रमा का 6th हाउस में होना आपके लिए ये समय अच्छा नहीं है। अंतिम दिन थोड़ा सा संभल कर आपको रहना चाहिए। साथ में मन बहुत ज़्यादा परेशान रह सकता है। विदेश से अगर जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो आपको काफ़ी फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन अपने बढ़ते हुए खर्चों पर आपको लगाम लगानी चाहिए, और साथ में स्वास्थ्य के प्रति आपको इस समय जागरूक रहना चाहिए। अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आपको अंतिम दिन में आ सकती है। तो एक तरह से ये जो पूरा वीक है मिथुन राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, लेकिन अंतिम दिन थोड़ा सा ठीक नहीं होगा, तो एक दिन आपको एडजस्ट करके चलना होगा। मिथुन राशि वालों के लिए इस वीक में जो शुभ अंक रहेगा वो रहेगा 5, और आपके लिए शुभ रंग रहेगा नीला रंग। फिलहाल वीडियो में इतना ही।